बता दें, शराब घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में भी शराब घोटाला मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा है कि मछली हो या मगरमच्छ, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार सब पर कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका देंगे। यहाँ पर 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ था, तो इसमें किस तरह की कार्रवाई आने वाले दिनों में हो सकती है? भाई, एक एफआईआर भी हुआ है जिसमें मुख्यमंत्री जी का भी नाम है और अन्य लोगों का भी नाम है, पूर्व मुख्यमंत्री जी का। जो भी है भैया, कार्यवाही कानून का राज होना चाहिए, हमारा स्पष्ट मानना है, और कानून सबके लिए समान होना चाहिए, हमारा स्पष्ट मानना है। दिल्ली में भी हुई बात तो वही है भाई, कोई मुख्यमंत्री जी है तो उसको छोड़ थोड़े ना दिया जाए, और चाहे वो जो भी हो, मछली हो मगरमच्छ हो, सब पे कार्यवाही होनी चाहिए। इस मामले में विपक्ष लगातार जो है वो सवाल खड़े कर रहा है। दिल्ली में भी राहुल गांधी ये कहते हुए नजर आए कि पीएम डरे हुए हैं, इसलिए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी की जा रही है, पहले झारखंड के मुख्यमंत्री की, अब दिल्ली के मुख्यमंत्री की। देखिए भाई, मुख्यमंत्री हो या कोई हो, मैं फिर से कह रहा हूं ना भाई, कानून जो है सो है भाई। अगर घोटाला नहीं होता तो ये क्यों होता? छत्तीसगढ़ में घोटाला हुआ है, छत्तीसगढ़ का बच्चा बच्चा जान रहा है, दिल्ली में हुआ है, बच्चा बच्चा जान रहा है। नहीं होता तो नहीं होता कुछ, अन्य प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों में तो नहीं हुआ भाई, क्योंकि कुछ नहीं हुआ है वहां पर। केरल में भी नहीं हुआ कुछ, तमिलनाडु में भी कुछ नहीं हुआ, आंध्र प्रदेश में कुछ नहीं हुआ है, तो जहां पर पंजाब में भी नहीं हुआ है, जहां पर गड़बड़ी है सो है। तो छत्तीसगढ़ में माना जाए जल्द ही बड़े मगरमच्छों पर भी कार्रवाई होगी? देखिए साहब, जैसे जैसे विषय सामने आएंगे सब पर कार्रवाई होगी, जो जो आवश्यक है सब कुछ किया जाएगा। गरीब जनता को लूटा गया है, छत्तीसगढ़ की संपदा को लूटा गया है, उसके लिए जो जो आवश्यक है वो सब किया जाएगा। सर बिल्कुल, गृहमंत्री विजय शर्मा जी, जिनका ये कहना है कि छत्तीसगढ़ में भी जिस तरीके से शराब घोटाला हुआ है, तो इस मामले में कार्रवाई चल रही है और जल्द ही जो लोग इस घोटाले में शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन इकराम के साथ स्वप्निल गोरखेड़े, आईएनएच न्यूज, रायपुर।